नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप जब भी अपना पीएफ में करेक्शन करने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हो और लास्ट में जब आप सेंड ओटीपी कर रहे हो तो वहां पर लिखा जाता है ओटीपी रिट्रीवल फेल्ड, ट्राई अगेन लेटर, इट मे बी आधार ऑथोराइजेशन सेंटर और लिमिट क्रॉस। ये एरर आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि ये एरर आपके सामने क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि मैं आपको इस प्रकार की नई अपडेट लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाकर बताऊंगा कि ये एरर कैसे आ रही है। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता। आपको ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चर कोड फिल करना है। उसके बाद आपको साइन इन पर दबाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको साइन इन पर दबा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही लॉगिन पर आप दबाओगे तो जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके, कैप्चर कोड फिल करके सबमिट पर दबा देना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ आपको अपडेट के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी जो ईपीएफओ ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ पर मैनेज पे जाओगे और जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म को दबाते हो उसके बाद यहाँ पर आपको गेट डिटेल पर दबाना है। ठीक है, जैसे ही गेट डिटेल पर दबाओगे तो आपके जो भी करेक्शन आपको करना है जिस भी मेंबर आईडी से उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक दोस्तों, में आप दोस्तों अपना जो भी अपडेट है उसको चेंज करने के बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड एप्लीकेशन पर करोगे। ठीक है, उसको आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर सेंड ओटीपी के लिए करोगे आप, दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो एरर क्या है, ओटीपी रेफरल फील्ड, ट्राई अगेन लेटर, इट मे बी ड्यू टू आधा सर्विस और क्रॉस लिमिट रीच। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये एरर जो भी करेक्शन के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है। कल भी आई थी, आज भी आई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से आपको एक तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये सभी पीएफ मेंबरों को आ रही है। ठीक दोस्तों, दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लगभग 4 से 5 दिन तक वेट करना है क्योंकि जब भी ऐसी एरर आती है तो ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नया अपडेट आने के लिए वो ऐसे ही एरर बार बार में आती रहती है। आपको पता है कभी अपन फॉर्म भर रहे हैं क्लेम के लिए तब ओटीपी की प्रॉब्लम आती है, कभी अपन केवाईसी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आती है, कभी अपन यूएन लॉगिन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए आप किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 2 से 3 दिन आपको वेट करना है। जैसे ही दोस्तों ये एरर यहाँ से खत्म होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से इसके बारे में अपडेट दे देंगे। ठीक दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।